नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Oppo Reno 11 Pro 5G versus Infinix GT20 Pro 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Reno 11 Pro 5G में 6.39 इंच जबकि GT20 Pro 5G में 6.47 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Reno 11 Pro 5G में 2.92 इंच जबकि GT20 Pro 5G में 2.97 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Reno 11 Pro 5G में 0.3 इंच जबकि GT20 Pro 5G में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Reno 11 Pro 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Reno 11 Pro 5G में 181 ग्राम जबकि GT20 Pro 5G में 194 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि Reno 11 Pro 5G से ज्यादा है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो Reno 11 Pro 5G में 20:1:9 जबकि GT20 Pro 5G में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Reno 11 Pro 5G में 6.7 इंचेस जबकि GT20 Pro 5G में 6.78 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Reno 11 Pro 5G में 1080x2412px FHD+ और GT20 Pro 5G में 1080x2436px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Reno 11 Pro 5G में 90.06% जबकि GT20 Pro 5G में 88.24% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Reno 11 Pro 5G में 394 पिक्सेल प्रति इंच जबकि GT20 Pro 5G में 393 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Reno 11 Pro 5G में 1 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 50 MP 1.8 कैरेट वाइड एंगल कैरेट प्राइमरी कैमरा 24 mm फोकल लेंथ कैरेट 1.56 टिल्डे सेंसर साइज कैरेट 1 माइक्रो एम पिक्सल साइज 8 MP 2.2 कैरेट अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा 16 mm फोकल लेंथ कैरेट 4.0 टिल्डे सेंसर साइज कैरेट 1.12 माइक्रोमीटर पिक्सल साइज 32 MP 2.0 कैरेट टेलीफोटो कैमरा 47 mm फोकल लेंथ कैरेट 2.7 टिल्डे सेंसर साइज कैरेट 0.8 माइक्रोमीटर पिक्सल साइज देखने को मिलता है। और GT20 Pro 5G की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Reno 11 Pro 5G में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और GT20 Pro 5G की बात करें तो उसमें 11 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Reno 11 Pro 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और GT20 Pro 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले बात करें CPU की तो दोनों फोन में सेम ही 4 नैनोमीटर है। GPU दोनों फोन में सेम ही माली G610MC6 देखने को मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Reno 11 Pro 5G में MediaTek Dimensity 8200Z और GT20 Pro 5G में MediaTek Dimensity 8200 Ultimate मिलता है। बात करें RAM की तो Reno 11 Pro 5G में 12 GB की RAM मिलती है, जबकि GT20 Pro 5G में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 8 GB 12 GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 256 GB स्टोरेज मिलती है।
एक्सपैंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V14 देखने को मिलती है। बैटरी रीनो 11 प्रो 5G में 4600 mAh जबकि GT20 प्रो 5G में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो रीनो 11 प्रो 5G में 2 कलर्स जबकि GT20 प्रो 5G में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो रीनो 11 प्रो 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जो कि 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 41,190 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें GT20 Pro 5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 28,890 रुपीस, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 26,999 रुपीस में मिलते हैं। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में GT20 Pro 5G आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें ओप्पो F25 Pro 5G है, दूसरा नथिंग फोन 2A 5G है, तीसरा Vivo V30 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo V30 Pro 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।